हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ेंगी, तभी हम वायु प्रदूषण के इंडेक्स स्तर को ठीक कर सकते हैं। विकास जरूरी है पर विनाश की शर्त पर नहीं। लोगों को इसके प्रति जागरूक होना होगा, ये कहना है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का, जो कि बुधवार को बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर प्रेस क्लब और असर के 2 दिवसीय मीडिया लीडरशिप वर्कशॉप में पहुंची। वहां पर वह एज अ मुख्य अतिथि पहुंची थी। इस विषय को प्रमुखता से जगह देनी चाहिए, क्योंकि आखिर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, या धरती बचेगी तभी आगे की पीढ़ी के लिए सोचेंगे। सारे प्लान होते हैं लेकिन धरती को बचाने की, पर्यावरण की रक्षा करने की बात नहीं होती है। तो इसको इस तरह से अगर सेमिनार वगैरह होते रहेंगे तो लोगों के दिमाग में बात आएगी। जानते तो सभी लोग हैं लेकिन उसका पालन करने के समय में लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि मोबाइल से क्या प्रदूषण हो रहा है, सब जानते हैं, शारीरिक नुकसान हो रहा है। कई बार तो कहते हैं कि मोबाइल की टावर्स की वजह से नारियल कम होते हैं कई जगह साउथ में, तो पेड़ पौधे पशु पक्षी हर एक का नुकसान है इंसान के अलावा। या माइनिंग होती है, हर जो भी माइनिंग होती है उससे उसका भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमें हम जानबूझकर भी वो करते ही हैं, तो हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेंगी। जितना हो सके अपने स्तर पर पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं निगम के CEO शशि रंजन ने कहा कि बिना जागरूकता और जन सहभागिता के यह हासिल करना संभव नहीं है। जहां तक निगम की बात है तो निगम वायु प्रदूषण में सुधार को लेकर प्रयासरत है और आने वाले दिनों में राजधानी वासियों को इसका असर देखने को मिलेगा, पर इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा। सबसे पहले तो रांची प्रेस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने ज्वलनशील जो मुद्दा है एयर क्वालिटी को लेकर इस पर चर्चा का आयोजन किया गया। और जो खासकर जो रांची नगर निगम के संदर्भ में बात करूं तो शहरी वायु प्रदूषण के रोकथाम और शहरी के शहर का जो वायु हो गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर काफ़ी जोर शोर से भी काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः जो सहभागिता की आवश्यकता है, हमारे जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, हमारे यहाँ के जो मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, उनकी सारे सहयोगिता से सहभागिता से ही हम लोग शहर का जो वायु की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। इसमें थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है और जो खासकर जो टेक्नोलॉजी का यूज आज के समय में किया जाए ताकि जो शहर में जो वायु का जो प्रदूषण है वो कम से कम हो। और रांची नगर निगम इसका पूरा प्रयास कर रहा है, जो आधुनिक उपकरण और मशीन्स खरीदे जा रहे हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जा रही है, तो वायु प्रदूषण को लेकर, शहरी वायु की गुणवत्ता को लेकर रांची नगर निगम गंभीर है और आने वाले समय में इसका अच्छा प्रभाव भी दिखेगा। बता दें कि झारखंड राज्य में बढ़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से राज्य के खनिज संपदा और संपन्न इलाकों में रहने वाले जनजातीय समाज के साथ साथ घनी आबादी में रहने वाले लोगों को भी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर रांची प्रेस क्लब में असर संस्था द्वारा 2 दिवसीय मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। साथ ही इस कार्यशाला के अंतिम दिन माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों की चुनौतियाँ, पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित जानकारियां और सरकार के प्रयास तथा डेटा एनालिसिस की पूरी जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा दी गई। साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण के कारगर उपायों से भी सभी को रूबरू कराया गया और पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Four Seasons, a multi-cuisine family restaurant. First restaurant which is based on the theme of 4 different seasons. For booking, contact 979-82-83015, 82102762. First floor, our Platinum Bajaj near Khalifa Tower, Kanki Road, Ranchi.